ख्वातीनों हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रज़ा हैदर और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम जा रहे हैं असला भाई और मुस्तफ़ा भाई से मिलने। वो हमें मिल रहे हैं ओखला हेड पर और हम अभी बैठ चुके हैं ई रिक्शे पर और पहुंचते हैं ओखला हेड, बिठाते हैं उनको भी ई रिक्शे पर। हमने सीट बुक कर ली है, पूरा ई रिक्शा खाली जा रहा है और ये लाइट बहुत सही लगा रखी है, लाइट पूरा अच्छी मिल रही है। और अगर आप जाकिर नगर या बटला हाउस के अतराफ़ में रहते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप नहीं रहते हैं तो आपको ये बात नहीं पता होगी, बट अगर आप रहते हैं तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। आज़ाद, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी कश्मीरी लड़के के साथ बैठा हूँ, नहीं, कश्मीरी नहीं है, ये है हमारे कश्मीरी पंजाबी फ्रॉम आज़मगढ़। तो ये है हमारे असला भाई और इधर बैठे हैं मुस्तफ़ा भाई। तो गाइज, अभी हम पहुँचने वाले हैं शाहीन बाग 40 फुटा एरिया में, और फिर चल के एक्सप्लोर करना है, कुछ अच्छा सा खाना है। भाई लोगों से बातें चल रही हैं, भाई लोगों ने बर्गर खा लिया है, बता भी दिया है आगे की ब्लॉगिंग यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम पहुँच चुके हैं अभी शाहीन बाग और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है, तो अब यहाँ से चलेंगे, पहले खाएंगे अफगानी समोसा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगर पेट भरा रहेगा या अगर जगह होगी तो कुछ और खा लेंगे यार, मीठा मीठा कुछ खा लेंगे। ये बैठे हैं हमारे मुस्तफ़ा भाई, इधर बैठे हैं असला भाई, असला भाई मेन कीवे वाला समोसा। गाइस, हमने ले लिया है अफगानी समोसा, भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए शूट करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है, तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा अफगानी वायरल अफगानी समोसा। फैसला मैंने मंगा लिए फिर से हमारे लिए चपली कबाब, चिकन समोसा जस्ट अभी खा चुके हैं हम। चिकन समोसे का रिव्यू कैसा रहा, अफगानी समोसे का रिव्यू कैसा? अच्छा था ना, टेस्ट अच्छा था। असला भाई थोड़ा सा अभी शर्मा रहे बिकॉज अभी जस्ट इन्होंने पहला शूट है। असला भाई, मुस्तफा भाई, आपने तो किया हुआ है आपका, आप येलो पहन के आएंगे, कैमरे में अच्छा दिखेगा, लाइट अच्छा दिखेगा। खाना पीना तो हो गया, अब चाय के लिए है शायरी कैफ़े, हम आ गए हैं शायरी कैफ़े। अंदर पूरे जॉन एलिया के शेर होते हैं अंदर, तो वो भी मिल जाएगा। जॉन एलिया का एक शेर सुनाएंगे? जॉन एलिया का शेर कौन सा वाला? कोई सा भी सुना दिए, अच्छा वाला। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। हाय रुला के मानेंगे भाई, इंजॉय करने आए थे रुला के मानेंगे। क्या सितम है कि अब तुम्हारी सूरत गौर करने पे याद आती है, गौर करने पे याद आती है, तो अब चाय पी लेते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं शायरी कैफ़े पे और आप क्राउड देखें, मुस्तफा भाई भी लाइन में खड़े हो हमारे। गाइस फाइनली वी आर गेटिंग आर टी, जाके मदद करवा लिया है मुस्तफा भाई ने। सर 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 प्लीज़ वन, थैंक यू। असला भाई आ जाइए,
तो फाइनली आवर पर्शियन टी इज हियर, लेट्स एंजॉय इट। मुस्तफ़ा भाई कुछ बनवा रहे हैं हमारे लिए। मुस्तफ़ा भाई क्या बनवा रहे हैं? गुलाब जामुन विद रबड़ी। कुछ वैसे हम ये खा चुके हैं गुलाब जामुन विद रबड़ी, बट मुस्तफ़ा भाई ने इम्प्रोवाइज़ कराया है, फिर से मौका मिला है। रबड़ी कितने का डाले भाई? प्रेशर में आ जा रहे हैं। गुलाब जामुन छोटा था, रबड़ी पूरा बढ़ती है। गुलाब जामुन विद रबड़ी और मुस्तफ़ा भाई हमारे पहले बाइट का रिव्यू। ओह भाई पहले बाइट का रिव्यू कट नहीं कर पा रहे। माय गॉड फस गया। हाउ इज इट? ऑसम ऑसम। तो चलिए गाइस हम भी शुरू करते हैं। रेहान भाई की गुलाब जामुन और रबड़ी।